वेलकम टू इंडिया स्टडी दोस्तों, आज 10 जनवरी 2020 और 10 जनवरी 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते थे वो सारे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 कब पेश किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2020-21 कब पेश किया जाएगा। ऑप्शन है 31 जनवरी, फरवरी 1, फरवरी 2 और 5 जनवरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1 फरवरी 1 जनवरी को यहाँ पे केंद्रीय बजट 2020-21 पास किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने आवाज़ और वीडियो के लिए अपनी वाईफाई कॉलिंग सेवा शुरू की है। ठीक है, तो हाल ही में अभी आप अगर जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को एक नया फीचर देखने को मिलेगा वाईफाई कॉलिंग। ठीक है, वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, रिलायंस जियो। ठीक है, चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। ऑप्शन है नई दिल्ली, मास्को, बर्मिंघम की कोलंबो। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बर्मिंघम में किया जा रहा है 2022 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी। ठीक है, बर्मिंघम करेगा। फोर नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के लेखक को हाल ही में यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है अमरजीत कौर, बी जसविंदर विलन, सी सरनजीत चहल और डी मिन्हास वर्मा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जसविंदर विलन को। ठीक है, जसविंदर विलन को यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों फाइव नंबर क्वेश्चन है, हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो फाइव का राइट आंसर ये हो जाएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल प्रवासी भारतीय दिवस। सिक्स नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, सीएम ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है। ठीक है, सीएम ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, गुवाहाटी, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने सीएम ऐप लॉन्च की है। चलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे। सेवन नंबर क्वेश्चन है, 2020 का पहला पेनब्रल चंद्रग्रहण कब है। तो आज ही है, 10 जनवरी को है। ठीक है, 2020 का पहला पेनब्रल चंद्रग्रहण। चलते हैं एट नंबर क्वेश्चन पे। एट नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने लेजर आधारित हवाई रक्षा प्रणाली विकसित की है। लेजर आधारित हवाई रक्षा प्रणाली, तो ऑप्शन है ईरान, उत्तर कोरिया, सी इसराइल और डी तुर्की। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसराइल ने लेजर आधारित हवाई रक्षा प्रणाली विकसित की है। चलते हैं नौ नंबर क्वेश्चन पे। नौ नंबर क्वेश्चन है, नसीम अल बर्न सैन्य अभ्यास किन दो देशों के सेनाओं के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नसीम अल बर्न सैन्य अभ्यास, तो ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, बी भारत अफगानिस्तान, सी भारत ओमान और डी भारत ईरान। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत और ओमान के बीच नसीम अल बर्न सैन्य अभ्यास किया जाएगा। चलते हैं दस नंबर क्वेश्चन पे। दस नंबर क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। ठीक है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी गुजरात में किया जा रहा है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर यानी VSCIC की स्थापना। तो दोस्तों ये थे सारे 10 जनवरी 2020 के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर जितना कर दीजिए जितना हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।